चलिए अब सीधा रुख करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, आज ऐसी कौन सी खबरें जो पूरे दिन सुर्खियों में छाए रहने वाली हैं? तो ये बड़ी बात है कि भारतीय दंड संहिता जो न्याय संहिता है उसे लेकर तीन नए कानून, जिसमें कि नए आपराधिक कानून में भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम आज से प्रभावी होगा। हालांकि मेरे मुझसे कुछ देर पहले ही मेरे संवाददाता मित्र ने काफी कुछ जानकारी दी, लेकिन एक बड़ी बात है कि इस बार जिस तरीके से कानून में संशोधन किया गया है, 500 से भी ज्यादा कानूनों को 300 से 350 धाराओं में सिमटा कर, यानी कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही धाराएं थी उन धाराओं को हटाकर स्वनिर्मित और भारतीय परिवेश के हिसाब से, यानी कि जो देशकाल परिस्थिति है उनके उसके आधार पर नए कानून लागू किए जा रहे हैं। इसमें बड़ी बात और है कि हत्या की धाराओं में जो अलग अलग धाराएं वो धाराएं भी बदल गई हैं। अब 302 के जगह उसे 103/1 या 103/2 के नाम से भी जाना जा सकता है। दूसरी बड़ी बात है, बड़ा प्रयास ये भी किया गया है संविधान के तीनों संविधानिक कानूनों को, प्रावधानों को बदलने में, कि जिस तरीके से आज के दौर पे संचार क्रांति का जिसे दौर कहा जाता है, युग कहा जाता है, उसमें जो विभिन्न सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म है उन प्लेटफॉर्म के आधार पर दी जाने वाली जानकारी और साक्ष्य, खासकर वीडियो और फोटो को भी इसमें मुख्य रूप से समाहित किए जाने की बात कही जा रही है। अब मैं जहां खड़ा हूं, यह दुर्ग पुलिस का कंट्रोल रूम है, पुलिस नियंत्रण कक्ष है, जहां पर यह आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न तरीके से इसके पहले भी कार्यशाला आयोजित की गई, लोगों को जागरूक किया गया, तीनों नई कानूनों के बारे में जानकारी दी गई, और उसके साथ आज जो मंच पर मौजूद है वो गजेंद्र यादव विधायक दुर्ग और वैशाली नगर विधायक देके सेन भी मौजूद है, एसपी आईजी और तमाम आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं। और यह जो चर्चा चल रही है इसमें इस बात की जानकारी भी दी जा रही है और लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से आने वाले समय में इन कानूनों का उपयोग किया जाएगा। जी मधु जी। जी सुबोध जी, आपसे जानना चाहेंगे महादेव सत्ता ऐप जो लगातार देश और प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, इसको लेकर हर दिन कुछ ना कुछ नई जानकारी सामने आती है। आप हाल ही में एक जानकारी है कि हैदराबाद से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, इसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट? केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कोई कार्रवाई हुई है तो दुर्ग जिले में हुई है। दुर्ग पुलिस ने सबसे ज्यादा कार्रवाई की है, सैकड़ों ऐसे गुर्गों को पकड़कर जेल के पीछे धकेल दिया है। साथ ही दुर्ग में जिस तरह की कार्रवाई हुई है उसे लेकर ईडी ने भी इसे ध्यान दिया और ईडी ने भी सारे कागजात जमा किए और लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पिछले दिनों 7 से 10 गुर्गे पकड़े गए थे और उसके बिहार से पकड़े गए थे, बिहार के आरा जिले से पकड़ के लाया गया था। उसी तर्ज पर हैदराबाद में भी इस तरह के महादेव बैटिंग ऐप को चलाए जाने की जानकारी दुर्ग पुलिस को मिली थी। एक टीम बनाकर भेजा गया था और उस टीम के द्वारा जब वहां पे छापेमार कार्रवाई की गई थी तो वहां पर 6 ऐसे गुर्गे मिले जिसमें से एक नाबालिग है और सभी महादेव बैटिंग ऐप के पैनल का संचालन कर रहे थे। उसमें से एक गुर्गा जो है वो हमारे भय के चौथी मंजिल से नीचे कूद गया था। उस वजह से हैदराबाद पुलिस ने भी 2 दिनों तक दुर्ग पुलिस के सिपाहियों को वहां पर जानकारी के लिए रखा और साथ ही पूछताछ की गई। जब आला अधिकारियों को जानकारी लगी तो उन्होंने चर्चा की और उसके बाद वहां से पकड़े गए सभी 6 आरोपियों के साथ ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दुर्ग पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है। मधु जी। जी सुबोध जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।